हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद न्यू वीडियो और आपका फेवरेट चैनल डांस स्टार स्कॉट से। मैं हूं आपका हर दिल अजीज, क्या नाम है, तारिक अजीज। लंबी और ठंडी करना कोई इस बंदे से सीख है। आपको पता ठंडी करके लपेटना है। आपको पता है कौन सी एल्बम का गाना है? मुझे पता है, खाना बदोश हूँ मैं। खाना खाते हैं और फिर बदोश हो जाते हैं। ठंडी मार दी। देखा खाना बदोश एल्बम का? लंबी नहीं कर। अच्छा, और ये एल्बम का अभी तक मुझे लग रहा है बेस्ट कोलैब होने वाला है। अच्छा, इसमें कौन कौन है? राजू, हाशिम नवाज और एक और भी है, मेरे दोनों फेवरेट रैपर। और एक और भी है, जोके। जोके तो है, जोके ही है ना। जोके के एल्बम में जोके नहीं होगा? कभी कभी नहीं होता। तो म्यूजिक तो वही प्रोड्यूस करता है भाई, ढक्कन खुद का अलग आता है ना। अबे जाया चुका। अच्छा, सुनते हैं ना? सुनते हैं। सुनते हैं, प्ले करो। तुम अपने हाथ से करो। क्यों बात है? घड़ी चल रही। चुप, बदले ले रहे। ये तू लिखे दर्द तो मैं आगे पे हिसाब लिखूं, तू लिखे शाम नज़म के लिए। हाय हाय, तू लिखे दर्द मैं लिखूं बेहिसाब। मतलब चारों लाइनें एक साथ एक दूसरे से मिली। दर्द बेहिसाब, मतलब बेहिसाब दर्द। तू लिखे दर्द मैं बेहिसाब लिखूं। तू लिखे दर्द शराब नहीं, तू शराब जमाने गए। वो भी पहले सुना है। उसने लिखा, उसने बोला भाई ये। अच्छा, शराब बोला होता भाई। तू लिखे दर्द तो मैं आगे पे हिसाब लिखूं, तू लिखे शाम नज़म के लिए और शराब लिखूं। तू लिखे शाम गम, मैं आगे शाम और शराब लिखूं। मतलब गम की शाम है। स्टार्ट ही भाई बंदे ने शायरी से की है। और तलाक जो भाई ने की जमाना लगे जमाना, मैं तुझ पे किताब लिखूं। रियाजी कमजोर मेरी दुनिया गड़बड़ी करती हिसाब में क्यों खुली। रियाजी का मतलब मैथ से। खुद ने एक रास्ता क्यों, उर्दू रैप को मैं लाजिम हूँ, उर्दू रैप पे मैं नाजिल हूँ। अपने ख्वाब की ये पूरे, अपनों की उम्मीद नाज का गाते लूं। अपने ख्वाब की ये पूरे, ख्वाब मंजिल है। इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। अपने ख्वाब की ये पूरे, अपनों की उम्मीद नाज का गाते लूं। अपनों की उम्मीद की नाज का गाते लूं, उम्मीद नाज का गाते लूं। उम्मीद नाज क्या है मेरे को जरूरी पता है। तू ऐसे मैं से पूछ रहा, मैं जैसे प्रोफेसर हूँ। उम्मीद नाज मेरे पास क्या पता हो, जैसे कुछ वर्ड मुझे पता होते हैं। अच्छा, वो तेरे इजी वाले पता होते हैं। ऐसे तो तुझे तो वो भी नहीं पता। उम्मीद यार आपको पता हो उम्मीद नाज का क्या मतलब? इसको छोड़, इतनी छोटी बात कौन कौन बताएगा। अभी बता देते हैं यार, अच्छे बंदे ये बात बिल्कुल सही है। ये मुझे समझ आई है कौन था इज्जत का काबिल। कौन था तुम्हारा चैन कह रहा? नहीं नहीं, मैंने तला यूनुस की बात कर रहा था। वो है इज्जत, ये कह रहा है मैं इतने काबिल नहीं था, खुदा ने दिए। इसका अच्छा। मतलब तला यूनुस होगा, इसको नहीं, ये काबिल नहीं होगा। मेरा कहने मतलब ये, तू तो यार उसकी तुमने इसके अभी सॉन्ग सुने गाए, तुमने तो यार तो खुद गा रहा। देखो अभी देख, मैंने तो नहीं कहा। अगला भाई अपने अपने आपको मान रहे भाई, मुझे अल्लाह ने दिया इस काबिल नहीं कह रहा बाप भी बन जाती है। हैट्स ऑफ। यहाँ सोचे जाए ना शायरी, अंदर से हम सब उदास हैं,
मुस्कुराहटें हैं जाहिरी came from a broken family music hi mera escape tha mulk ab dekhta hal ajeeb tha ab main lakhon mein ye gaane bechta ab main kehta hu zindagi stage se jo main karun wo nahi mainstream main badtameez lekin lengthy main fans ke dil mein rahun rent free meri jebon mein note par rent ki aayo yes main dil mein rehte ho tum jaiso ki nahi hamare hamare dil rent free hai bhai kya chup kyun ho gaye ho aap jo bol rahe ho aap akeli kar liya karo ye reaction अरे दिल में क्यों ले रहा मजाक कर रहा था भाई वीडियो में नहीं तो मजाक कर रहा हूँ सही भाई चैन के इससे अच्छा रैपर है आई लव यू चैन के Let me show you what you can see. मैंने जान लगा दी कि लोग मुझे जाने अब इरिटेट कर दिया टेंशन मुझे खोके पे लोग रोके फोटो के लिए पसंद नहीं है निकलना घर से जिम्मेदारी से कहता हूँ गुस्से की असल वजह अक्सर बनती चर्च से हम मसलों को देखते हैं फेस वैल्यू पे नहीं पकड़ पाते उन्हें जड़ से मैं सुनाने बैठा जो अपनी तो पूछोगे क्या वो दर्द भी दर्द थे पर जो के रुको जरा जी तुम जो के सब्र करो लास्ट लाइन बोली है बंदे ने मैं सुनाने बैठा अपने दुख तुम लोग भूल जाओगे तुम्हारे दुख क्या थे पर मैं नहीं सुना रहा सही मैं रोक दूंगा मैं नहीं बनाऊंगा फिर वीडियो में बता रहा दिल खाली है तेरी जरूरत है नजरें बुला रही अभी जा नहीं जिसके होने से था साया जड़ी धूप में जो सच ढूंढ लेता था मेरे हर झूठ में रिश्ते हमारे रात में नहीं धोखे की बात करते हैं कैसी लगी आवाज इस सॉन्ग में धोखे की आवाज में प्यार ऊंचा बोल दो आवाज ही जाएगी आवाज आ रही है हमको धोखे की आवाज में प्यार था मोहब्बत थी और क्या बोलूं ये प्यार मोहब्बत अपने बाप के लिए था उसके बड़ी बात अभी रिसेंटली उसके फादर की डेथ हो गई ये उसके इस वर्स मुझे तो यही लगा कि ये उनको डेडिकेट किया गया है आगे जो के खुद ही जानता है आशिम नवाज द वर्ल्ड प्ले किंग्स जब कहने को लफ्ज थे अब जब लफ्ज है वक्त नहीं ईच डे तेरा भाई करा इवॉल्व बाकी ये लौंडे हैं अभी वही नहीं बनेगी तू मेरी फैंटेसी बट स्टिल यू विल बी माय फैंटेसी मेरा इनके लिए ना कभी करता हूं गाड़ी रिवर्स पे बंदे का वर्ड प्ले देख रहे हो फैंटेसी फैंटूसी देखना चेक करना तेरा भाई करा इवॉल्व बाकी ये लौंडे हैं अभी वही नहीं बनेगी तू मेरी फैंटेसी बट स्टिल यू विल बी माय फैंटेसी मी रैप इनके लिए ना कभी करता हूं गाड़ी रिवर्स पे करूंगा मैं कैसे इन्हें बैक लोग करते शोर जिनके बीच हूं मैं जो भी सुने मुझे उसके करीब हूं मैं रंगीन हूं गरीबों की सोबत से दूर होकर समझ बैठा खुद को अमीर हूं मैं मेरे साथ वाले कमरे में और इस कमरे में गैर मेरे साथ है थोड़ा जागरा ज्यादा मैं सपने में आवाम कब तक करूंगा बर्दाश्त ये सिर्फ बांटते बोले कलम मेरे साथ वाले कमरे में और गैर मेरे साथ है खैर मेरे साथ है इस बंदे का मैं खाली इस बात से ही फैन हूँ मतलब इसके वर्ड प्ले से कमाल है हाथ में कभी कभी होते शेर बिना काफी है मेहमान सारे अपने ही घरों में इंसान सदा मोहताज अपनी सांस के इन्हें खुश करना लगे मैं हसरत मुख्तलिफ रोक लेते मुख्तलिफ मतलब इन बातों का मैं वक्त कैसे निकाल के देखूं कि हैं ये नाराज से करते हैं नफरत खैर जो भी है इनका शुक्रिया जिस जिसने भी लिखने को लफ्ज दिया बस तख्ते की चोटा पर कुर्सिया बेगर्स थोड़ा खुद को है कर दिया मैंने कर दिया इनके दिलों में खुद को जाती ओवर हेडलाइंस मेरी खबर तुमको मैं एक तालिब इल्म खोजता जवाब का मिलिया सीख लेकिन ढूंढ पाया नहीं खुद को खाना बदोश में तो मुझे दोष नहीं है तुम मुझे जानते बसो मेरे दोस्त नहीं अगर मैं खलाई मखलूक तेरे मुताबिक तो मेरे आगे चूहे में छोड़ नहीं तूफान तेरा भाई जब भी करे काम तेरा ड्रिंक एंड ड्राइव तो ट्रैफिक होनी नहीं जाम जेम पे जोर दे कौन मैं बोलते भाई तेरा कोयले में ही रखते इनके नहीं कान मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल क्या ये लेते हैं मेरा नाम मैं रहूंगा यहाँ पर कहूंगा किया था लैप तना अंजुम के साथ मैं साइडे नहीं लेता तुम मेरी ये सादत की वजह क्या बात बोली यार क्या बोलिए मुझे खाली तना अंजुम का नाम सुना शॉर्ट आउट दिया उसको मैं लेवल में ये लोग मेरे लेवल को जज करते हैं मैंने क्या बोला था सबर कोई ना मेरी रखते इनके नहीं काम
मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल, क्या ये लेते हैं मेरा नाम। मैं रहूंगा यहाँ पर, कहूंगा किया था लैब का नाम जो के साथ मैं साइड नहीं लेता। मैं मुझे नहीं पता मेरा लेवल, ये लोग लेते हैं मेरा नाम, मतलब डिस वगैरह करते हैं, डिस में नाम लेते हैं, तो मैं रहूंगा यहीं पे तो लूंगा नाम, मतलब लोगों को पता चलेगा कि भाई मेरा कोलैब आया था तल अंजुम के साथ। मतलब लेजेंड एक दूसरे लेजेंड को शॉर्ट आउट दे रहा है। और फिर अगली लाइन में बोला हुआ है, मैं सीधा नहीं, क्या सीधे क्या लिखा हुआ है, साइड है, सॉरी साइड नहीं लेता, मैं साइड नहीं लेता, मतलब मैं तल अंजुम की साइड नहीं ले रहा, तुम मेरी इस आदत की वजह से मुझसे नहीं हो जाना नाराज। ये अपने पिंडी वालों को तुम बोला होगा मुझे ना पता क्या मेरा है लेवल, क्या ये लेते हैं मेरा नाम। मैं रहूंगा यहाँ पर, कहूंगा किया था लैब तलाम जो के साथ मैं साइड नहीं लेता, तुम मेरी इस आदत की वजह से होना नाराज। इनकी नजर में हूँ क्या कुछ नहीं, मैं जो नहीं तो बस कलाकार। ड्रम की बीट बहुत प्यारी है। अभी जा नहीं, दिल खाली है, तेरी जरूरत है, नजरें बुला रही। अभी जा नहीं, जिसके होने से दसाया कई झूठ है, यहाँ वाले ठीक है। रिश्ते हमारे ही रात के टूटते नहीं, क्या बात है यार, अभी जा नहीं, कमाल है यार। क्या कहेंगे यार इस ट्रैक के बारे में, ट्रैक पिछला जो ट्रैक था ना, जैसे वो भी आया था पिछले दिनों, किसका था, तला यूनुस था, और इसी में खाना बदोश की जो एल्बम में था, तला यूनुस था और जे जे फूड से, हाँ जिस पे हमने रिएक्ट किया था, मैं तो गुलशन पे हमने रिएक्ट किया था, किस पे किया था, हमने दो पे किया, अर्जुन पे किया और गुलशन पे किया, हाँ भी शायर 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 पे किया था शायर। मुझे उससे थोड़ा वो लगा, ये जिसमें थोड़ा जैसे लग रहा है कोई स्लो था, मतलब वैसा नहीं था जैसे पिछला था ना, जैसे पिछले अट्रैक्शन थी जिसने, नहीं मुझे तो ये उसमें मुश्किल बहुत हार्ड वर्ड्स इसमें सारे, जैसे अभी एक ही एक नाम ही मुश्किल लिया था तुमने, वो जो कौन सा नाज, उसके अलावा तो कोई मुश्किल मुझे नहीं लगा कि कोई वर्ड है ऐसा कोई, नहीं मैं वो नहीं कह रहा, बट तुम्हारा ओपिनियन लगे तुम्हें वो अच्छा लगा शायर, तुम्हारी नज़र में बेस्ट था, मेरी नज़र में अब तक की ईपी का ना बेस्ट कोलैब और इस एल्बम का ईपी, सॉरी फिर ईपी पी मुँह में चढ़ गया, इस एल्बम का बेस्ट कोलैब है ये सॉन्ग ऐसा है, मतलब उसमें थोड़ा जोश आया था इसमें, मतलब स्लो स्लो बंदा था ना कि इसकी वो वाइब वाला सॉन्ग था, हाँ ये रिलेटेबल फील करने वाला सॉन्ग है, वही 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 मैं कह रहा हूं, इमोशंस है और उसमें वाइब थी, वो एक पूरी ईपी से अलग अलग टाइप का सॉन्ग था, बाकी पूरी एल्बम अभी में जा नहीं, नहीं जो था वो योके के था ना, हाँ ये तो, हुक जोके ने गाया है ना, जितना मुझे हुक सुन के समझ आई उस तो मुझे तो वही लगा कड़ी धूप में साया बना, हाँ अपने डैड को ट्रिब्यूट कर रहा था क्योंकि रिसेंटली इसके डैड की डेथ हो गई थी, तो मुझे तो यही लगा, बाकी आप बता देना अगर ये सच्ची में ये मतलब सच है तो। अंजुम एक अपने लेवल पे था और हाशिम का वर्ड प्ले हैट्स ऑफ, ये पीछे आपको सॉन्ग्स की आवाज़ें आ रही होंगी, ये घर में थोड़ी शादी है तो मे बी हम एक दो दिन आपको स्क्रीन से ऑफ मिले, हम कोई और जगह ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह, मैं जल्द आपको वीडियो आपको मिलना रुकेगी नहीं, वीडियो आपको मिलेंगी, आप लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, हाँ हमें याद है कमेंट्स में, हमारे दो तीन बंदों ने रेकमेंड किया हुआ सॉन्ग हमने डाउनलोड करके रखे हुए थे, बस अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू शादी सीजन हमने आज खाली ये बनाना समझा, ये इम्पोर्टेंट था, नहीं तो फिर हम इस पर लेट हो जाते फिर ये भी पीछे हो जाता, ये भी रेकमेंड पे चला जाता, तो लाइक करना शेयर करना सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, हमें बहुत प्यार मिला इन तीन चार वीडियोस में,
और एक और बात, हमारी जो नॉन सब्सक्राइबर्स है ना वो 95% है। लोग वीडियो देख रहे सब्सक्राइब घंटी नहीं दबा रहे, घंटी ना भी ना है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार 95% बात है, स्ट्रीमिंग अनबिलीवेबल डिस्करेज होती है यार। टेक केयर, बाय बाय, लंबी हो रही तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बहुत सारा प्यार बैंक कार स्क्वाड्स की तरफ से, स्क्वाड्स दो बंदे हैं, स्क्वाड थोड़ी है, चले तीसरे हम बुला रहे हैं और आ रही नहीं, उसके दखल हो रहे, आ जाएगी जल्द आ जाएगी, बाय बाय।